बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बांका के ओढ़नी जलाशय का भ्रमण करने पहुंचे हैं। यहां के मनोरम दृश्य को देखकर वो अभिभूत दिखे। जलाशय में मोटर बोट की सवारी का लुत्फ उठाया और पूरे इलाके का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री कारा किशोर प्रसाद, जल संसाधन मंत्री संजय झा, पर्यटन मंत्री नारायण झा और ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज भी मौजूद थे। इस जगह को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से रुचि ले रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से यहां तेजी से काम किया जा रहा है। इस बात का खास तौर से ध्यान रखा जा रहा है कि सौंदर्यीकरण के दौरान इस जगह की प्राकृतिक रूपरेखा को कोई नुकसान ना पहुंचे। यहां पर डैम साइड कैंपिंग, मेडिटेशन कैंप, मड हाउस स्टे, जंगल सफारी, नेचर सफारी, माउंटेन कैंपिंग, डैम साइड साइकिलिंग का आनंद और बढ़ जाता है। जब यहाँ प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है तब यहाँ अद्भुत नजारा दिखता है। यहाँ भ्रमण और चल रहे कार्यों के निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई सुझाव भी दिए। तो चल करके इसको देखेंगे तो बहुत अच्छा है। दो नदियों से ये डैम का निर्माण आज से बहुत पहले हुआ है, 90 के करीब में हुआ है। अब उसके बाद इन लोगों ने इसके बारे में जो सोचा कि पर्यटन के दृष्टिकोण से लोग इसको इसका इसमें आकर के घूमेंगे देखेंगे, तो इन सब चीज़ों को देख करके जब इसके लिए सोच करके योजना बना रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है, ये काफ़ी अच्छा। और हम लोगों को आज हमने जो देखा है कुछ हमने सुझाव भी दे दिया है कि हमेशा इसके मेंटेनेंस के लिए भी हम लोगों को काम करना चाहिए। वो गर्मी और जाड़े के समय में नीचे का भी तो पहले से बना हुआ है, तो जब पानी आ रहा है दूसरी तरफ से तो थोड़ा थोड़ा तो ये नीचे से भरता जाएगा। तो अभी तो बहुत दिन हो गया है, उतना नहीं भरा है, लेकिन उसके लिए भी उसकी सफाई नीचे करना, हटा देना अच्छा रहेगा। और दूसरी बात है कि जो कुछ भी यहाँ पर है पर्यटन के दृष्टिकोण से इस स्थल पर कई चीज़ों को विकसित करें। तो उसके अलावे हमने यह भी सुझाव दे दिया है इन को कि जितना बाकी सब इतने इसमें जो पहाड़ी इलाका है तो उन जगहों पर तो देख रहे हैं कि अच्छा वृक्षारोपण है, लेकिन और कुछ जगहों पर वृक्षारोपण की संभावना है। और अच्छा और वृक्षारोपण करने में तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो इस जिले के पुराने वृक्ष रहे कभी ऐसा ना हो कि यहाँ का वृक्ष खत्म हो, तो उन वृक्षों को भी यहाँ पर रखना चाहिए और अन्य प्रकार के वृक्ष को रख करके ये अच्छा रहेगा। और भी इससे समझ लीजिए कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी ठीक रहेगा, लोग इसमें घूमेंगे देखेंगे आनंद लेंगे और नदी में जब इसका ट्रेवल करेंगे घूमेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। पर्यटकों को बिहार से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, पर्यटक तो बिहार का क्या, बिहार से बाहर के भी लोग पर्यटक आएंगे। आप जरा देख लीजिएगा और बांका में तो देख रहे हैं कि एक एक चीज़ नई नई चीज़ें निकल रही है। आज हम एरियल सर्वे करके भी देख लिए जो ऐतिहासिक जगह है और जिसके लिए नदी की धार को अलग रखने के लिए उसको बदरिया में, तो उसमें जो देखे थे हम लोग और एक एक चीज़ को देख करके कि उसमें काफ़ी उसकी गुंजाइश है। अगर उसको नीचे इसको कभी नीचे का और चीज़ों को जो निकाला जाएगा, खुदाई होगी तो कितनी बड़ी चीज़ निकलेगी। तो पता चलेगा कि इस इलाके में आज से 2000 साल पहले, 2500 साल पहले क्या क्या था, क्या दृश्य था। तो ये तो बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, तो इसलिए हमको तो लग रहा है इन्होंने ही शान की जानकारी दी थी उसको देखने के। ताज तो रियली देख लिए उसको। बांका में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बौसी स्थित मांदर पर्वत पर रोपवे का उद्घाटन भी किया है। यह बिहार का दूसरा रोपवे है। 377.36 मीटर लंबे इस रोपवे से अब मंदार की वादियों का सैलानी आनंद लेंगे। रोपवे से पर्यटन को भी अब फायदा होगा। 4 सीटर रोपवे में कुल 8 केबिन तैयार किए गए हैं। 80 रुपये का टिकट लेकर अब मंदार पर्वत के शिखर पर पहुंचा जा सकेगा और लोग मंदार के ऐतिहासिक और पौराणिक और धार्मिक स्थलों का दर्शन कर पाएंगे। इतिहास में समुद्र मंथन की मथनी के रूप में जिस मंदांचल की चर्चा की गई थी वो वास्तव में भागीरथी गंगा के दक्षिण में अवस्थित अंग की धरती पर मौजूद यही मंदार पर्वत है, जिसका आज दीदार और दर्शन पूजन करने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं। करीब 10 करोड़ की लागत से बने आकाशीय रज्जू मार्ग को देश विदेश से आने वाले सैलानियों के लिए खोल दिया गया।
रेलवे का जो निर्माण हुआ उसका उद्घाटन करने का अवसर मिला। बहुत पहले जब हम लोग आकर के नीचे देखे थे तो बहुत ही ऐतिहासिक है और इसका तो बहुत ज्यादा महत्व है। धार्मिक रूप से भी तो इस स्थल को देखने का मौका तो मिला था लेकिन कभी ऊपर जा नहीं पाए। आज मुझे व्यक्तिगत रूप से खुशी है कि चलिए रोपवे का निर्माण हो गया, अब रोपवे के माध्यम से ऊपर तक जाने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा है। और जो सबसे बड़ी बात अब है कि लोगों को जाने में घंटा भर का टाइम, उससे भी ज़्यादा समय नीचे से ऊपर जाने में लगता था, अब रोपवे के निर्माण के बाद 4 मिनट में लोग यहाँ से वहाँ पहुँच जाएंगे। सभी लोगों को ऊपर जा करके देखने का मौका मिलेगा और बहुत अच्छे ढंग से। देखिए आप लोगों को भी कहेंगे कि जरा आप लोग भी जरा ऊपर जाकर के देखिए, ऊपर जाने से कितना अच्छा लगता है, चारों तरफ का दृश्य देखिए। सर हम लोग जाकर दर्शकों को दिखा दिए हैं तो चलिए बहुत अच्छा है। आप लोगों को बताइए पर्यटक स्थल के रूप में शुरू से रहा है, इसकी बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा रही। अब ये हो जाने के बाद पर्यटकों को और सुविधा होगी और अधिक से अधिक लोग भी यहाँ पर। सर आपका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, आपने इससे पहले जब बांका हुए थे ये ड्रीम प्रोजेक्ट था सर उस समय, और अब बन के तैयार हो गया, कितनी खुशी हो रही है? खुशी हो रही है, इसलिए तुम क्या पहले आकर के देखे थे उसी समय हम लोगों ने सोचा था इसके लिए उपयुक्त वही होगा। आज बन गया, थोड़ा समय तो लगा, काफी लग गया है लेकिन अब कम से कम बन करके तैयार हो गया।